हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ इजी टेक्निक टिश्यू बॉक्स बनाने की, वो भी हमारे घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उससे। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक एम्प्टी बॉक्स, प्रेफरेबली आप बच्चों का शू बॉक्स यूज़ करें जिसकी साइज़ परफेक्ट होती है टिश्यू बॉक्स के लिए। बॉक्स में टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ग्रीनेट का टुकड़ा, जिसे पेस्ट कर लिया है मैंने जेसो से। आप यहाँ पे पुट्टी एंड ग्लू का पेस्ट भी लगा सकते हैं। एक लेयर जेसो का मैं ग्रीनेट के ऊपर भी लगाऊंगी, सो दैट कि ग्रीनेट का टेक्सचर और अच्छा आ जाए एंड जो ग्रीनेट का ब्राइट ग्रीन कलर है वो थोड़ा हाइड हो जाए एंड एक स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी इस बॉक्स को। ये टेक्सचर देने के बाद मैं इस बॉक्स को एटलीस्ट एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, बिकॉज इसमें मैंने ग्रीन नेट लगाया है तो ये बहुत जल्दी सूखेगा नहीं। देखिए, एक दिन हो गया है और ये टेक्सचर अब सूख चुका है, तो मैं सबसे पहले इस ब्लंट एंड को कट करूंगी सारे, जिससे कि इसमें और फिनिशिंग आ जाएगी। एंड अब मैं वाइट एक्रिलिक से पूरे बॉक्स को कवर करूंगी और मैंने अंदर भी एक लेयर वाइट एक्रिलिक का लगाया बॉक्स के अंदर टू मेक इट लुक मच बेटर। ओके, सो अब बारी है टेक्सचर को हाईलाइट करने की। जैसा मैं अपने ज़्यादातर आर्टवर्क्स में करती हूँ, स्पॉन्ज से ड्राई पेंट हल्के हल्के से डैब करना है। ध्यान रहे, पेंट हमें बहुत कम लेना है स्पॉन्ज में, बिकॉज मैं ये टिश्यू बॉक्स बना रही हूँ अपने लिविंग रूम के लिए, इसलिए मैंने कलर थीम यहाँ पे टर्कोइज रखा है। आप अपने रूम के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिविंग रूम का जो कलर है थीम है वो टर्कोइज है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्कोइज लिया है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप टिश्यू बॉक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है ये ग्लिटर्स और 3D लाइनर्स। थोड़ा मैंने टेक्सचर के ऊपर भी ग्लिटर, जो मेरे पास थोड़ा ड्राई हो गया था, उसको मैंने डैब कर दिया है और वो बहुत अच्छा उभर के आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड देन मैंने यूज़ किया है कुछ लेसेस, जो मेरे पास सिलाई के बाद कुछ छोटे छोटे लेसेस के टुकड़े बच जाते हैं, वो मैं रख लेती हूँ अपने क्राफ्ट वर्क के लिए। एंड उससे भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ भी मैंने फिर से लिया है ब्लू और वाइट कलर के लेसेस, बिकॉज वो थीम को मैच कर रहे हैं। एंड यहाँ मैंने ग्लू गन के हेल्प से इन लेसेस को पेस्ट किया है। ये जो ब्लंट एंड है, इसमें आप लेस ज़रूर लगाएं, सो दैट कि बॉक्स में फिनिशिंग रहेगी। यहाँ मैंने यूज़ किया है पाइपिंग वाला लेस, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। यहाँ आप इस बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए जो भी एम्बेलिशमेंट्स या स्टड्स आपके पास अवेलेबल हो, जो कुछ भी छोटी मोटी क्लिप्स या किसी भी चीज़ से निकल के आती हो, वो आप कलेक्ट करके रखिए और वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी चीज़ परचेस करके नहीं लगाया है। जो भी चीज़ें मेरे पास ज्वेलरी की टूट जाती है कुछ भी, तो वो मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ और वो मैं यूज़ करती हूँ अपने क्राफ्ट में। एंड लास्ट में हम इसमें बनाएंगे एक लॉकिंग सिस्टम, सो दैट कि टिश्यू पुल करते हुए बॉक्स ना ओपन हो, जिसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है एक ये इलास्टिक थ्रेड, जो कि फिक्स होगा इस एम्बेलिशमेंट में जाके। सो रेडी है ये प्यारा सा टिश्यू बॉक्स, जो कि बना है बहुत ही कम एक्सपेंसेस से और बहुत ही इजीली। तो आज की ये DIY आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करें। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आपके सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स एंड लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ नया क्रिएट करने की। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।